सांसद संजय राउत के खिलाफ आरपीआई पाचिक आंदोलन शुरू हो गया है। सांसद संजय राउत के खिलाफ आरपीआई के कार्यकर्ता बोरीवली रेलवे स्टेशन के बाहर जूता मारो आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के दौरान आरपीआई के कार्यकर्ताओं ने संजय राउत के फोटो पर चप्पल और जूते से मारते हुए संजय राउत के फोटो को फाड़कर विरोध किया है। आप देख सकते हैं मैं बोरीवली स्टेशन पे उपस्थित हूँ, लेकिन बता दूं कि जिस तरह से संजय राउत की बयान पर यहाँ पे कई तरह के आरपीआई पार्टी की तरफ से यहाँ पे एक हलचल बवाल आक्रोश देखने को मिल रहा है, लेकिन बता दें कि यह आक्रोश डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जन्म महाराष्ट्र में हुई करके इस तरह की बवाल चालू है। लेकिन बता दें कि अब यहाँ के आरपीआई के नेता और पदाधिकारी कार्यकर्ता सभी उपस्थित हैं, आक्रोश दिख रहा है चेहरों पर। अभी आरपीआई कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि संजय राउत को पहले तो माफी मांगनी चाहिए और फिर तत्काल सांसद पद से इस्तीफा देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम आने वाले दिनों में और भी तीव्र आंदोलन करेंगे। संजय राउत का इतिहास भूगोल उन्होंने पढ़ा नहीं है, मुझे पता नहीं कि उनका डिग्री क्या है, वो कितने पढ़े हैं, लेकिन संजय राउत जी आप जैसा जेल में जाके आए आप सटिया गए हैं, आपको इतिहास पता नहीं है, इसलिए हम आरपीआई की तरफ से आपका धिक्कार करते हैं। यहाँ जोड़ो मारो आंदोलन हमने किया है, इसके बाद में जो भी कोई नेता हो अगर उसको जोड़ो मारने का आंदोलन आरपीआई करेगी, महापुरुषों का अपमान करने वालों को घोड़ा लगाने का काम भी आरपीआई करेगी, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। यह आंदोलन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के जन्म स्थान पर दिए गए बयान के विरोध में आरपीआई कार्यकर्ता कर रहे हैं। आमदार खासदार जो वेतन भोगी लोग हैं वो बाबा साहेब के इतिहास और भूगोल नहीं मालूम होने के बावजूद जो वो अपनी वक्तव्य करते हैं वो उसका निषेध करने के लिए रिपब्लिकन पार्टी के सभी कार्यकर्ता उत्तर मुंबई जिला अध्यक्ष रमेश गायकवाड़ इनके नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित है। नेता कोई भी हो, चाहे नेता सांसद हो, विधायक या मंत्री हो, अगर बात गलत कहा जाएगा या बयान गलत कहा जाएगा तो उसको माफी मांगना ही पड़ेगा। ये हम नहीं, आरपीआई पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी लोग कर रहे हैं। धनुधारी यादव की रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।